मध्य भारत एवं मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इस वक्त जाड़े का मौसम है। कान्हा भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ परियोजना संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यह सचमुच वन्य प्राणियों का स्वर्ग है। इसके मशहूर घास के मैदान हिरणों के लिए सर्वानुकूल हैं, चीतल जैसी आम हिरण प्रजाति के लिए और दुर्लभ हिरणों के लिए भी, जैसे कि ये बारहसिंघा। कड़ी भूमि के ये बारहसिंघे कान्हा के सबसे खास वन प्राणी हैं। कभी ये हजारों की तादाद में सारे मध्य भारत में विचरते थे, अब इनकी संख्या मात्र 350 रह गई है और कान्हा के अलावा ये अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। हर साल दुनिया के कोने कोने से लगभग 50,000 लोग वन्य जीव देखने कान्हा आते हैं। हालांकि कान्हा में अनेक तरह के पशु पक्षी हैं, अधिकतर सैलानियों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, बाघ को देखना। अपनी इस चाह को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है हाथी की पीठ से बाघों को देखना। कान्हा के महावत जंगल कला में इतने माहिर हैं कि जो सैलानी मात्र एक दिन के लिए कान्हा आते हैं, उन्हें भी वे कुछ अद्भुत दृश्य दिखा देते हैं। जैसे ये दृश्य जिसमें बाघिन और शावक अपने द्वारा मारे गए चीतल का स्वाद ले रहे हैं। आज बाघ अपने सभी क्षेत्रों में गंभीर खतरों से जूझ रहा है। उसे जंगल में देख पाना, और वो भी इतने नजदीक से, कान्हा जैसे संरक्षित स्थलों में ही ये संभव है। परंतु कान्हा का संरक्षण कोई आसान काम नहीं है। इन वनों एवं वन्य प्राणियों को बचाना रोज की एक विकट चुनौती है। जिस तरह हर शहर को पुलिस दल की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह वन्य जीव अभयारण्य या बाघ आरक्षित क्षेत्र को भी अनेक खतरों से बचने की आवश्यकता पड़ती है। सभी खतरों में गर्मियों में भड़कने वाली आगें सबसे नाटकीय एवं स्पष्ट होती हैं। ये आग अक्सर चोर, शिकारियों, चरवाहों या शहद बटोरने वाले लोगों द्वारा लगाई जाती है। पेड़ों की अवैध कटाई का लगातार खतरा बना रहता है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी आम है। जंगल में गांव के पालतू मवेशियों के मात्र प्रवेश करने से भी जंगली जानवरों के लिए संकट पैदा हो जाता है। जब डंगर मवेशी जंगल में चरते हैं, वे जंगली तृण भक्षियों का आहार यानी घास चट कर जाते हैं, और यदि कोई बाघ या तेंदुआ किसी पालतू मवेशी को मार दे तो इसके परिणाम भी काफी घातक होते हैं। कभी कभी मालिक गुस्से में आकर अपने मवेशी के शव में जहर घोल देता है, और जब बाघ यह मांस फिर खाता है तो उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। भारत में हर साल अनेक बाघ इस तरह मारे जाते हैं। जंगली जानवरों के लिए अन्य अदृश्य खतरे भी हैं। गर्मियों में चोर शिकारी कभी कभी पानी के स्रोतों में जहर मिला देते हैं, जिससे उनमें पानी पीने आने वाले जानवर मर जाते हैं। इस तरह की त्रासदियों को रोकने का एकमात्र रास्ता है कान्हा के कर्मचारियों द्वारा निरंतर पैदल चलकर जंगल के चप्पे चप्पे की निगरानी करना। इसे सुगम बनाने के लिए कान्हा में जगह जगह गश्ती शिविर स्थापित किए गए हैं। कुल मिलाकर 160 शिविर हैं। प्रत्येक शिविर में एक वन रक्षक और एक या दो चौकीदार तैनात रहते हैं। इन्हें हर रोज सुबह से शाम तक 15 से 20 किलोमीटर गश्त लगाकर जंगल की सुरक्षा करनी पड़ती है।
ये कठिन तथा अधिकतर खतरनाक काम है और ऐसे शिविर के जीवन में बहुत अकेलापन होता है। ये गश्ती शिविर जंगल के दुर्गम स्थानों में स्थित होते हैं, जहां ना तो बिजली है ना ही पानी के लिए नल। पानी का नजदीकी स्रोत कुछ 2 या 3 किलोमीटर दूर भी हो सकता है और इस पानी को उन्हें वन्य जीवों के साथ उपयोग करना होता है। दिन भर के थका देने वाले काम के बाद दल को शिविर लौटकर खाना पकाना पड़ता है। मानव बस्तियों से कोसों दूर होने का मतलब यह है कि इन्हें ज्यादातर खाने में दाल भात और स्वाद के लिए शायद प्याज या मिर्चे ही मिल पाती है। अधिकांश वन रक्षकों को अपने मामूली से वेतन पर 3-3 गृहस्थियां चलानी पड़ती हैं। अपने शिविर में भोजन रसद की व्यवस्था के अलावा गांव में बीवी बच्चों की देखभाल और किसी अन्य दूसरे गांव में बूढ़े माँ बाप के लिए इंतजाम। उनके हाथ में अन्य जरूरतों के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है। घर जाने के लिए उन्हें हर महीने केवल 3 दिन की ही छुट्टी मिलती है। कान्हा में बरसात का मौसम जून में शुरू होकर सितंबर तक चलता है और तब इन वन कर्मियों का जीवन और भी कठिन हो उठता है। 4-व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां भी कीचड़ में आसानी से रास्ता नहीं बना पाती हैं। ऐसी भीषण परिस्थितियों में गश्त लगाने के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता है। धूप हो या बारिश, वन रक्षकों के लिए चौकसी में ढील बरतना नामुमकिन है। वन रक्षकों के लिए ये एक रोजमर्रा का काम है। पेड़ या बिजली गिरने का जोखिम बरसात में काफी रहता है, लेकिन साल के किसी भी समय जंगली जानवरों से सामना होने का खतरा तो बना ही रहता है। वाहन या हाथी के द्वारा सुरक्षा से देखने पर खतरनाक से खतरनाक जानवर भी हानि रहित प्रतीत हो सकता है। सोलह महीने के इन बाघ शावकों को खेलना बहुत पसंद है। ये बड़े आकार की बिल्लियां जैसे सहलाने लायक लगते हैं, परंतु वास्तव में इनसे आमना सामना हो जाए तो बात ही दूसरी होती है। वन रक्षक हमेल सिंह पट्टावी ड्यूटी के दौरान 2 बार मौत से नजरें मिला चुके हैं। पहली बार इन पर एक गौर सांड ने हमला कर दिया था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये जीवित बच गए। अभी हाल में ही इन्हें एक और बेहद खतरनाक अनुभव 2 बाघ शावकों के साथ हुआ। ये बाघ जब इस उम्र में शिकार करना सीख ही रहे होते हैं तो हर हिलती डुलती चीज को शिकार मानकर उसका पीछा करते हैं। जब पट्टावी और इनके साथी साइकिल पर शिविर वापस लौट रहे थे तब ये भयानक हादसा हुआ। हम सर एक दिन गश्ती से लौट रहे थे दोनों, तो इस एरिया में सर टाइगर मतलब 4 बच्चे वाली मादा और वो नर भी रहता है सर, मतलब उनका 6 का ग्रुप है। तो हम साइकिल से आ रहे थे सर इनके साथ, हमारे गार्ड के साथ में। तो मैं साइकिल चला रहा था सर, थोड़ा सा घाट था वहाँ, ये साइड में बैठे थे सर पीछे केरियल में, मैं चला रहा था सर। तो अचानक क्या हुआ, 2 बच्चे सर, बाकी तो साइड में थे सर, मगर 2 बच्चे पीछे से दौड़े सर, मैं तो नहीं देखा सर, ये देखे थे हमारे गार्ड। टाइगर के बच्चा एकदम से दौड़ लगा के आया और मेरे ऊपर झपट गया सर। झपटने के बाद हमने आवाज़ किया कि हट हट करके दोनों जन, तो हमारे झपटे हुए फिर छोड़ के चला गया सर। तो मैंने बोला कि बंजारा खून ज़्यादा बह रहा है यार, मेरा नज़र भी थोड़ा
गश्त मार रहा है तो साहब कह रहा है कि तुम पैंट उतार दो और कैरियल में बैठ जाओ, मैं धीरे धीरे तुमको ढकेलते ढकेलते ले जाऊंगा इस घर में। तो मैं कैरियल में बैठा और पैंट को साइड में रखा। तो वो लोग टाइगर बच्चा हमारा पीछा कर रहा था तो वो पैंट जाते जाते कहीं गिर गया। तो पैंट को पा दिए तो हमारा पीछा छोड़ दिए। तो फिर हम आवाज लगाए कैंप के लिए, तो वहां से फिर दौड़ के आए वो लोग, तो यहां से फिर ले गए। कई दिन अस्पताल में बिताकर हमेल सिंह पट्टावी बच गए, पर इन बाघों द्वारा दिए गए घावों के निशान उम्र भर उनके शरीर में बने रहेंगे। वन रक्षक मुनुवा प्रसाद कार्तिकेय भी एक ऐसे ही विरले वन रक्षक हैं। जी सर, मैं उस समय जुलाई 2003 की एक शाम ये शिविर लौट रहे थे कि इन पर विपत्ति आन पड़ी। मैं गश्त करके सुबह से गश्त निकल गए हम जंगल, और गश्त करके शाम को वापस आ रहे थे। शाम को लगभग 7 बजे, जुलाई का महीना था, कैंप के नज़दीक पहुंच गए थे। करीब करीब 100 मीटर की दूरी रही होगी कैंप से, और वहाँ घास बहुत थी। घास में ही रिछ था बच्चों के साथ में, हमको दूर से दिखाई नहीं दिया। जब हम एकदम नज़दीक पहुँच गए तो लगा कि वहाँ रिछ है, तो सुअर जैसा दिखा वो एकदम घास में। जैसे ही उसको आभास हुआ कि हम हैं वहाँ, तो खड़ा होकर आवाज़ किया। नज़दीक में ही था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर की दूरी पे। आवाज़ किया खड़ा होके और एकदम दौड़ लगा के मेरे से 2 फीट की दूरी पे आगे खड़ा हो गया। तो मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी थी, मैंने लाठी चलाई, उस पर लाठी पकड़ लिया। तो 5-1 मिनट तक लगभग हम एक दूसरे से लाठी पकड़े रहे। वाचर था, उसके पास छाता था, छाता मारा उसने तो डंडी उसकी झुक गई तो वो भी निहत्था हो गया। तो दौड़ के वो कैंप चला गया लाठी वाठी लेने। अब हम पकड़े रहे, फिर वो मुंह से फैन फेंकने लगा हमारी ओर, तो फैन से बचने के लिए मैं इधर उधर झुकते रहा। उसी दौरान मेरे हाथ से लाठी ढीली हो गई, तो लाठी खींच लिया। लाठी खींचने के बाद मुझे धक्का दिया तो मैं चित्त गिर गया नीचे, और मेरे ऊपर झपटा तो मैंने दोनों पैर फ्री हो गए थे, तो दोनों पैरों की किक मारा उसको। फिर से आया और एक पैर यहाँ पे रखा, इसको फाड़ दिया। दूसरा पैर यहाँ रखा, इसको फाड़ा, यहाँ पे मुंह चलाया और इसको पूरा निकाल दिया। सर से ही होते आया, इधर पीठ में पंजा मारा, 2-3 जगह वहाँ गड्ढा किया। मैं बिल्कुल हिला नहीं, चुपचाप पड़ा रहा। बच्चों की आवाज़ सुना वो दूर, तो फिर चला गया। पाँच एक मिनट में वैसे ही पड़ा रहा, देखा कि अब ये नहीं आ रहा है, तो फिर उठा तो ये पूरा नीचे झूल रहा था। तो इसको एक हाथ से ऐसा उठाया और आसपास देखा, तो मेरा डंडा पड़ा हुआ था, लाठी, उसको उठाया और चला कैंप की ओर। इनके जख्म इतने गंभीर हैं कि इन्हें हर वक्त हेलमेट पहने रहना पड़ता है ताकि सिर को और चोट न लग पाए। जंगली जानवरों के हमले तो इन वन रक्षकों के लिए रोजाना की घटनाएं हैं, लेकिन कुछ वन रक्षकों के लिए मौत अन्य रूपों में भी आई है। कुछ चोर शिकारियों से मुठभेड़ में मारे गए हैं, तो कुछ फंसे हुए जंगली जानवरों को बचाने में।
सुपकार के परिक्षेत्र अधिकारी सुखराम खनोरकर ऐसा ही एक किस्सा सुना रहे हैं। क्या है, वो गश्ती करते हुए आ रहा था। हमारा जो वन रक्षक रवि भान सिंह ठाकुर था, वो जैसे ही गश्त करते हुए आ रहा था तो रास्ते में जो तालाब पड़ा इसको देखा उसने कि एक चीतल इसमें पानी में डूब रहा है। इस स्थिति में उसने इसको बचाने के लिए खुद कपड़े उतारा और अंदर चला गया और तैरते हुए चीतल के पास इसी तालाब में गया और जाने के बाद उसको बिल्कुल और थोड़ा आगे चीतल बढ़ा तो और आगे बढ़ते गया और इस स्थिति में वहाँ पैर उसके फंस गए गाद के अंदर और चीतल को निकालने की कोशिश किया। चीतल तो निकल गया लेकिन वो नहीं निकल पाया और गाड़ वहीं डूब गया और देखते देखते में क्या अंदर वो फिर बाद में निकालने की कोशिश किया तो मरी हालत मिला। कान्हा को अपने जांबाज वन रक्षकों पर नाज है। उनके निरंतर मौजूदगी के कारण ही जंगल जानवरों के लिए सुरक्षित बना रहता है। हमेल सिंह पट्टावी इन रक्षकों की निष्ठा एवं त्याग का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पट्टावी और इनके चौकीदार सहदेव सिंह बंजारा ठीक उसी वन क्षेत्र की चौकसी अब भी कर रहे हैं जहां उन्हें घायल करने वाले बाघ खुलेआम विचरते हैं। अपनी निजी सुरक्षा का जरा भी ख्याल किए बगैर और बिना शिकायत किए हजारों दिक्कतों का